नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एम्पायर, वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल में आपके साथ दिव्यानी शर्मा। मध्य प्रदेश के देवास जिले के ग्राम जामबोध में अवैध उर्वरक निर्माण और भंडारण का बड़ा मामला सामने आया है। कृषि विभाग की छापेमारी में सैकड़ों बोरियां नकली उर्वरक से भरी हुई पाई गई, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया है। इस मामले में मैसर्स सदाशिव फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पांचेमल जिला बड़वानी के प्रबंधक मोहित चौधरी पर धोखाधड़ी और कूट रचना के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। देखें रिपोर्ट। देवास से इस वक्त की बड़ी खबर। देवास की ग्राम जामगोद में अवैध उर्वरक निर्माण का भंडाफोड़। मैसर्स सदाशिव फर्टिलाइजर्स के प्रबंधक पर FIR दर्ज। गोदाम में 180 से अधिक आयसर वाहन में भरी हुई बोरियां जब्त। हजारों खाली पैकिंग बैग सहित सिलाई मशीन तोल का टब बरामद। गोदाम में सैकड़ों की तादाद में भरा हुआ बिना नाम लिखा उर्वरक मिला। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि गोदाम से 180 से अधिक भरी हुई बोरियां और हजारों खाली पैकिंग बैग बरामद किए हैं। यह गोदाम जामगोद में सचिन पटेल की जमीन पर स्थित था, जहां 1 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अवैध रूप से उर्वरक का भंडारण किया गया। वहीं प्रबंधक मोहित चौधरी निवासी P1104 प्रियंका ब्लासम अपार्टमेंट गंगापुर रोड सिरिन मैंडोव्स आनंद वाली नासिक महाराष्ट्र पर आरोप है कि उन्होंने अवैध उर्वरक का निर्माण और भंडारण कर इससे किसानों को बेचने की योजना बनाई थी। देवास के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी गोपेश पाठक के अनुसार यह कार्यवाही उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की विभिन्न धाराओं के तहत की गई है। मैसर्स सदाशिव फर्टिलाइजर्स के प्रबंधक मोहित चौधरी पर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि देवास जिले में हुई इस बड़ी कार्यवाही से किसान समुदाय में हड़कंप मच गया है। वहीं सवाल उठता है कि इन उर्वरकों का इस्तेमाल किसानों के लिए कितना घातक हो सकता था। मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। सर, जामगोद में किसी गोदाम पर कार्रवाई की गई आपके द्वारा, किस तरह की कार्रवाई की गई और क्या कुछ पूरा मामला है? हमें सूचना मिली थी जामगोद में एक टीन शेड का एक गोदाम है, वहाँ पर पांचेमल की एक कंपनी है सदाशिव फर्टिलाइजर के नाम से, उनका कुछ भंडारण और इस तरह से कुछ किया जा रहा है। तो औचक वहाँ पर निरीक्षण किया गया और निरीक्षण करने में पाया गया कि वहाँ बिना नाम की कुछ बोरियों में मटेरियल रखा था, कुछ फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया के नाम से बोरियाँ भरी हुई थी, इस तरह की वहाँ चीज़ें मिली हैं। तो उनके हमने सैंपल लिए हैं, सैंपल को हम प्रयोगशाला में भेजेंगे परीक्षण के लिए और आगे की जो कार्रवाई नियमानुसार होगी वो कार्रवाई की जाएगी। अभी सर सील कर दिया है गोदाम से? गोदाम को अभी सील कर दिया गया है, आगे कार्रवाई क्योंकि रात होने के कारण कार्रवाई को रोकते हुए कल सुबह से कार्रवाई पुनः जारी रखेंगे। आपका परिचय सर? मैं गोपेश पाठक, उप संचालक कृषि देवास। ये खबर हम और आप तक देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी द्वारा पहुंचाई गई है। लगातार ऐसे तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एम्पायर, वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ।